हम अपने दैनिक जीवन में समय के अनुरूप परिधानों का चयन करते हैं, लेकिन जब बात वर्दी पहनने की आती है तो इसके लिए कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि वर्दी पहनने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। वर्दी पहनने के क्रम में सबसे पहले मौजे यानी जुराबे पहनने चाहिए, क्योंकि पैंट पहनने के बाद मौजे पहनने से पैंट के मुड़ जाने की संभावना रहती है। मौजे पहनने के बाद हम पैंट पहनेंगे। पैंट पहनने के बाद जूता पहनने की बारी आती है, लेकिन जूता पहनने से पहले हम अपनी पैंट की जिप और बटन को खुली रखेंगे, जिसे झुकने में किसी तरह की परेशानी ना हो। जूते बूट या कच्छू भी हो सकते हैं। हमेशा ध्यान रहे कि जूते में फीते के लिए 5 छिद्र होने चाहिए। अगर आप बूट पहन रहे हैं तो फीते को पीछे वाले लूप में फंसाकर दाहिने बूट के फीते को बाईं तरफ तथा बाईं बूट के फीते को दाहिनी तरफ बांधें। ऐसा इसलिए कि फीता बांधने में आसानी हो और बंधन पैंट के भीतर छुप जाए। पुलिस निरीक्षक एवं उनके ऊपर के पंक्ति के पदाधिकारी के जूते का टो स्टिच्ड या ऑक्सफोर्ड कट रहता है, जबकि अवर निरीक्षक एवं उनसे नीचे के पदाधिकारी के जूते का टो प्लेन रहता है। जूते पहनने के बाद हम शर्ट पहनेंगे। ये ध्यान रहे 15 मार्च से 14 नवंबर तक वर्दी के बांह को फोल्ड रखा जाता है, जबकि 15 नवंबर से 14 मार्च तक वर्दी पूरे बांह की पहननी पड़ती है। सर्दियों में हम ऊनी वर्दी पहन सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि पदाधिकारी ऊनी वर्दी के अंदर स्वेटर अथवा ऊनी कपड़े पहन लेते हैं, जो वर्दी के बाहर भी नजर आते हैं। ये तरीका गलत है। अगर ज्यादा ठंड लग रही हो तो बड़े गले का अथवा भी गले का इनर एवं गले में ऊनी स्कार्फ पहन सकते हैं। बाईं बांह पर बरगद कंधे से 4 अंगुली नीचे होना चाहिए और कमीज की बांह बरगद से 4 अंगुली नीचे तक मुड़ी रहेंगी। विसिल कोड बाईं ओर रहेगी, जिसकी छोर पर सीटी लगी रहेगी, जो बाईं जेब के अंदर रहेगी। अगर आप सर्विस पिस्टल रखते हैं तो उसकी सुरक्षा हेतु पिस्टल कोड दाहिनी तरफ होगा, जो बाईं कमर में लगे होलिस्टर में रखे पिस्टल से जुड़ा रहेगा। नेम प्लेट दाहिनी जेब के ऊपर सिलाई से लगी रहेगी, जो काले रंग की होगी तथा जिस पर सफेद अक्षरों में हिंदी एवं अंग्रेजी में पदाधिकारी का नाम अंकित होगा। वर्दी में स्टार लगाते वक्त ये हमेशा ध्यान रहे कि स्टार हमेशा ऊपर की तरफ इंगित करता हो। शर्ट पहनने के बाद शर्ट को अंडर सूटिंग के लिए पैंट को नीचे करेंगे और शर्ट के सामने के दोनों किनारों को अपनी जांघों के बीच दबाकर पैंट को पीछे की तरफ से ऊपर लाकर पैंट का बटन लगाएंगे। ध्यान रहे कि शर्ट के सिर्फ 3 बटन ही बाहर नजर आने चाहिए। अगर शर्ट सही ढंग से एडजस्ट न हो तो पैंट के जिप में से शर्ट को नीचे की तरफ खींचकर एडजस्ट कर सकते हैं, फिर पैंट की जिप लगा लें। अब हम बेल्ट पहनेंगे। बेल्ट पहनने का तरीका है कि पैंट के पीछे वाले हुक को खोलकर बेल्ट को दोनों साइड के हुक से अंदर से आगे लाएंगे और सामने लगाएंगे। ध्यान रहे कि बेल्ट सही ढंग से टाइट हो और बेल्ट पर लगा बैज शर्ट की बटन और पैंट की जिप एक सीध में हो। बेल्ट पहनने के बाद भी अगर आपकी शर्ट मुड़ी नजर आए तो अपने दोनों अंगूठे को पैंट के अंदर डालकर पीछे की तरफ ले जाएं, जिससे शर्ट सीधी हो जाए। अंत में हम लोग कैप पहनेंगे। यहाँ ध्यान देना है कि कैप यानी टोपी में लगी बैज बाईं भौं के ठीक ऊपर हो और करीब 1 इंच ऊपर हो। कैप को एडजस्ट करने के लिए कैप के बैज को
दो उंगलियों से दबाते हुए कैप को दाहिनी कान की तरफ खींचना है, जिससे कैप एडजस्ट हो जाए। सैल्यूट करने से पहले हमेशा सावधान की स्थिति में आना चाहिए तथा दिखाए गए तरीके से सैल्यूट करना चाहिए। सैल्यूट करते वक्त ध्यान रहे कि आपकी हथेली सीधी सामने की तरफ, सभी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई तथा दाहिने भौंसे एक इंच आगे होनी चाहिए। सैल्यूट डाउन करने के लिए हाथ को सीधे नीचे की तरफ तेजी से लाना है और इसी क्रम में अपनी मुट्ठी बंद कर लेनी है। हमेशा स्मरण रहे, अगर आप अच्छा पहनेंगे तो अच्छा दिखेंगे और अगर अच्छा दिखेंगे तो अच्छा महसूस करेंगे। लुक गुड, फील गुड।